पहले नमस्कार सभी दर्शकों को। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया एंड द पीपल पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। मैं आज जो बात कहना जा रहा हूं वो है इंडिया का पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम के बारे में, उसका जो रूल्स होना चाहिए क्या होना चाहिए इसका बड़े में। रूल्स तो पहले से बनाया हुआ है, लेकिन अभी हर आप एक चैनल में, कोई भी एक चैनल में, आप सोशल मीडिया में यही एक ये डिस्कशन का बड़े में आप लोग देखोगे, जहां कोई एक नेता दूसरे नेता को ब्लेम कर रहा है स्पीच पे, या तो कोई किसी का मजाक बनाया जा रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है? इसका पीछे हमारे जो इंडिया का जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, तो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में जो उसका रूल्स जो बनाया गया है ये ठीक नहीं है। जैसे मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, वो बात मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। वो पॉइंट क्या है? व्हाट इज दिस पॉइंट? आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट स्पेशली द रूल्स व्हिच मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गिवन द रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको रिकॉग्निशन करती है। तो इसमें क्या है, रिकॉग्निशन के बाद जो लोग रिकॉग्निशन होके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब फील्ड में जाते हैं, तो उसका लीडर्स लोगों का कोई रूल्स नहीं है। उसमें रूल्स क्या होना चाहिए? वो रूल्स पहले जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए। स्पेशली मैं एक ही पॉइंट को मैं उठाऊंगा इसमें, वो पॉइंट है जैसे आपने एक कैंडिडेट को जब इलेक्शन लड़ने के लिए जाता है, तो उसमें एजुकेशन का बारे में आपने जिक्र नहीं किया। मतलब एजुकेशन नेल क्वालिफिकेशन को आपने कंपलसरी या तो मैंडेटरी नहीं किया है। आप एक कैंडिडेट को जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं, तो उसमें सिर्फ उसमें एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया दिखाया गया है, जैसे वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, उसका एज जैसे 18 का ऊपर होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन इसमें पहले जमाने में वो नहीं था, जैसे ये क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं था। अभी भी वही सिस्टम में चल रहा है, जैसे फॉर्मल एजुकेशन कितना होना चाहिए, एक पंचायत लेवल में, 3 tier पंचायत लेवल में, जैसे आप विलेज लेवल में जो विलेज का मेंबरशिप होने के लिए, पंचायत का मेंबरशिप होने के लिए, वहाँ कंटेस्ट लड़ने के लिए, वहाँ आपको कम से कम ये मैंडेटरी करना चाहिए। जैसे एक पंचायत में आपको कोई भी एक कैंडिडेट अगर वहाँ कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें कम से कम आप जहाँ हायर सेकेंडरी का बात उठा है, हायर सेकेंडरी इंडिया में कहीं भी आप जब नौकरी करना चाहते हैं, तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिक्लेरेशन करके रखा है, कोई भी आप नौकरी ढूंढेगा तो उसमें आपको हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, क्लास 12 पास होना चाहिए। तो ये पॉलिटिक्स में क्यों नहीं होगा? पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही होना चाहिए। जहां कोई भी नेता बनना चाहते हैं तो ठीक है, वेलकम कीजिए, वेलकम है उसके लिए, लेकिन उसमें भी एक कानून बनना चाहिए, जैसे
पंचायत लेवल में या तो बिलेस का जो ग्राम पंचायत का वोट होता है ना, उसमें आपको कम से कम कंटेस्ट होने के लिए, कैंडिडेट होने के लिए, आपको पंचायत मेंबर बनने के लिए आपको क्लास 12 पास होना चाहिए। और पंचायत समिति में आ गया तो आपको कम से कम इसमें ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आया तो, जिला परिषद में आया तो आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, और असेंबली में खड़ा होने के लिए आपको पीएचडी होना चाहिए। ऐसे बनना पड़ेगा। तो ऐसे अगर नहीं बना पाया या तो आप ये कानून नहीं बनाएगा तो ये इंडिया डेवलप कहां होगा? वी ऑल एवरीबॉडी नोज दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। सबको मालूम है ये इंडिया हमारे विश्व में सबसे बड़ा एक गणतंत्र देश है, लेकिन ये अंडर डेवलप है। वो कंपेयर करने से दूसरे देश से अभी भी बहुत पीछे है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये एक कारण बनता है, यहां हमारे देश में जो नेता बनता है ना, कौन नेता बनता है, मैं ये पॉइंट सीधा पॉइंट पे आता हूं। जो लोग नेता बनते हैं यहां, आप देख लीजिए, एक मैं उससे पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं। वो एग्जांपल क्या होगा, आप कोई भी नौकरी ढूंढने के लिए, जब नौकरी करने के लिए आप निकलते हैं ना, तो गवर्नमेंट में जो रूल रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें आप एक फौजी होने के लिए सीआरपीएफ बनो या सीआईएसएफ बनो या जो भी हो, राइफलमैन बनने के लिए आपको क्लास 12 डिग्री होना चाहिए आपके हाथ में। आपको मास्टर होने के लिए, टीचर्स होने के लिए आपको 50% मार्क का जरूरत है। बीएड या डीएलएड, स्पेशल एजुकेशन, वो सब तो चाहिए। और प्रोफेसर होने के लिए आपको नेट कंपलसरी किया गया है, पीएचडी कंपलसरी किया गया है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे सिविल सर्विस के लिए कोई भी एक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने के लिए तो हर दिन दिन रात मेहनत करने के बाद ही वो मिलता है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लेकिन ये बात मैं सभी पॉलिटिकल लीडर्स को मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो सभी पॉलिटिकल लीडर्स वो एलिजिबिलिटी नहीं है, वो बात नहीं है। मैं बोल रहा हूं सभी पॉलिटिकल लीडर्स अगर नहीं भी हो, इसमें 80% पॉलिटिकल लीडर्स होने वहां फेक है। कौन जाता है और कौन नेता बनता है हमारे देश में, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। जो लोग ना गवर्नमेंट में जॉब मिला है या प्राइवेट में जॉब मिला है, ना किसी के पास अच्छा से एक डिग्री है, जिसका पास कुछ भी नहीं है, वही लोग पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेशन लेता है। तो पॉलिटिकल पार्टी में जब पार्टिसिपेशन लेता है तो उसके बाद वो एक किसी ने एमएलए बन जाता है, किसी ने सरपंच बन जाता है, और किसी ने मिनिस्टर भी बन जाता है। तो जब मिनिस्टर ही बन ही गया तो उस टाइम में क्या होगा, तो वही लोग देश को चलाने के लिए ये चला रहा है ना। तो ऐसे लोग अगर आप उसको दर्जा देते रहेंगे तो देश कैसे डेवलप होगा? वो देश तो डेवलप होने के लिए जो समर्थ लोग है वही लोगों का हाथ में देने से ही वो देश डेवलप होगा ना।